सोनीपत के अग्रसेन चौक के पास शराब के गोदाम कार्यालय में शराब कारोबारी हरबीर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम द्वारा जांच करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है। सदर थाना SHO सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और प्रथम जांच में सामने आया है कि शराब कारोबारी ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जो भी जांच में सामने आएगा, जो भी शिकायत होगी उसके अनुसार अगर मैं कार्रवाई। हरी वीर क्या काम करता था वो? ये यहाँ अपना लोन ले रखा था इसने। शराब कारोबारी था? हाँ जी। सर मौके पर जिस तरह से आए हो, क्या मिला? गोली मारी गई, क्या हुआ, किस तरह से क्या हुआ? देखिए अब तक जो सूचना मिली है, जो यहाँ बता रहे हैं वो ये है कि इनने खुद इसके पास लाइसेंसी वेपन था, उसके साथ गोली मार के आत्महत्या की है। अभी जो भी जाँच में सामने आएगा आपको। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।